द्वादशी व्रत कथा। हर द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व बताया गया है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के 12 नामों से पूजा करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन षोडशोपचार या पंचोपचार के द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। चंदन, अक्षत, तुलसी दल व पुष्पों को श्री गोविंद व श्री हरि बोलते हुए भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सिंचती हूँ। मुझे बाहु दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पाटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्णा जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, पाटक की मौत ले, कृष्णा जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों दीप, अजल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सपने तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म, यज्ञ पुरुष, इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वोत्तम एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। और भागवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार वे इस पृथ्वी का शासक करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती, किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती
और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवान भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। उन्होंने 3 रात का उपवास किया और 1 दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौ सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, आओ देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परमपुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दवानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो
मेरे पीछे लग गया है। तब दुर्वासा जी दिशा आकाश पृथ्वी अतल बीतल आदि नीचे के लोक समुद्र लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वही वही उन्होंने असहा तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक ना मिला तब वे तो डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी मैं शंकर जी दक्ष भृगु आदि प्रजापति भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधारे करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्र काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह है। तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ में भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत्य, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है, प्रभु आप मुझे बचाइए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन आप अग्नि स्वरूप है, भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्र देवा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो या किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मण को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है, यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो तो दुर्वासा जी का हृदय की सारी जलन मिट जाए। अब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनका प्रार्थना से चक्र शांत हो गया।
जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अमरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। महाराज अमरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया, अहो आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अमरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अमरीश के गुणों की प्रशंसा की और उनके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक एक वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अमरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सौ परिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अमरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्र पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आइए जानते हैं ध्रुव की कथा। स्वयंभू मनु और उनकी धर्म पत्नी सतरूपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उत्तानपाद की दो रानियां थी, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से इच्छा करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोह माया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्य से विमुख हो गए और सुनीति की अपेक्षा करने लगे। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से और बालक के कोमल मन को ठेस न लगे इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हार कर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वही पास में उसकी भी माता सुरुचि भी बैठी हैं। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ाने को ललायत प्रेम बस आए हुए अपने पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू आज्ञानी है इसलिए ऐसी
अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपनी भी माता का ऐसा कथन सुनकर दुर्विकोपित होकर पिता को छोड़कर अपने माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होठ कांप रहे थे और वो जोरों से सिसकिया ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बैठाकर पूछा, बेटा तेरे क्रोध का क्या कारण है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया है? ये सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए वह सब बात बताई जो उसकी भी माता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक कहा है। तू अवश्य ही मंद भाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसकी भी पक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकती। पूर्व जन्म में तूने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया है उसे तुझे कौन दिला सकता है? इसलिए तुझे अपनी भी माता के बातों को भूल जाना चाहिए। ए बस, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्य से तुझे अंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायिनी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील पुण्य आत्मा और समस्त प्राणियों का हितेशी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीचे भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशय में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सतपात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती है। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर से बाहर वन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों यानी सप्त ऋषियों को मृग चमर के आसन पर बैठे देखा। ध्रुव ने उन सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन किया और नम्रता पूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मा गलाने के कारण आपके पास आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार अभी तो तू सिर्फ 4-5 वर्ष का बालक जान पड़ता है, तेरी चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित है, फिर तेरी गलाने का क्या कारण है? तब ध्रुव ने ऋषियों को वह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहे थे। ये सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, अहो छात्र तेज कैसा परवल है जिससे इन नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी भी माता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है, अगर तेरा मन करे तो वह हमें बता। हे तेजस्वी, हमें ये भी पता कि हम तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को जाना चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे यह बता दे कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव के इस प्रकार पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। मारीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता।
अतः तू उनकी ही आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा आकृति से भी पड़े हैं वे परम पुरुष नारायण जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अच्छे पद प्राप्त होता है, यह मैं एकदम सच कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिस सर्वव्यापक नारायण से यह सारा जगत व्याप्त है तू उसी नारायण की आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो परम ब्रह्मा परम धाम और परम स्वरूप है उन नारायण की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगत पति की आराधना से इंद्र ने इंद्र पद प्राप्त किया है तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष यज्ञ और युगेश्वर है उन जनादन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के श्रेष्ठ स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, आप लोगों ने मुझे आराध्य देव तो बता दिया, आप कृपा करके मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं किस प्रकार उनकी आराधना करूं। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, तू समस्त ब्रह्मा विषयों से चित्त को हटाकर उस एकमात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। ये सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके चल दिया और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन में पहुंचा, जिस मधुवन में नित्य श्री हरि का सानिध्य रहता है। उसी सर्व पाप हरि तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी समुद्र और पर्वत सहित समस्त भूमंडल अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षुब्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में भी उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया, पर ध्रुव एकाग्रचित होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी की ओर देखा तक नहीं। जब सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए तो देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जनादन, हम उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि वह इंद्रपद चाहता है या उसे सूर्य वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। श्री भगवान बोले, हे देवगण, उसे इंद्र सूर्य वरुण कुबेर आदि किसी की पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाइए। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। श्री हरि के ऐसे कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली। ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान को शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़ा देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सहसा
रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किस प्रकार स्तुति करूं ये सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया। ध्रुव ने कहा, भगवान मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ पर अपने अज्ञान बस कुछ कह नहीं पा रहा, अतः आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद चरण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई तब भगवान बोले, हे ध्रुव तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई है, पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। ध्रुव बोला, हे भगवान आपसे इस संसार में क्या छिपा हुआ है, मैं मेरी सौतेली माता के गरुवेले बचनों से आहत होकर आपकी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन की योग नहीं हूँ, अतः हे संसार को रचने वाले परमेश्वर मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त ना हुआ हो। श्री भगवान बोले, वत्स तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई, उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ, अतः हे ध्रुव तुझको अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिस स्वयंभू मनु के कुल में किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारा मंडल का आश्रय है। मेरे प्यारे भक्त ध्रुव मैं तुझे वह निश्चल ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य चंद्र आदि ग्रहों सभी नक्षत्रों और सप्त ऋषियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातः काल और संध्या काल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति जिसने अपने हित कर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। भक्त ध्रुव की कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो वह कठोर पुरुषार्थ के द्वार इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय।